हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर इंग्लिश टीचर। होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो योर फर्स्ट पोइम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इफ हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क मी बाय माई टेलीग्राम चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पोइम विंट फ्रॉम योर बुक बिहेव। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम। दिस विंट पोइम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। इनिशियली इट इज़ रिटन इन, सबसे पहले हम जानेंगे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पोइम का। तो आप लोग ये जान लो कि ये पोइम ओरिजिनली तमिल में लिखी हुई है सुब्रमण्यम भारती की, और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में A.K. रामानुजन के द्वारा। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पोइम का। दिस पोइम ब्रिंग्स आउट अ वेरी कॉमन आइडिया। नोबडी केयर्स फॉर द वीक। ये पोइम जो है एक वेरी कॉमन आइडिया आपके सामने लेके आएगी। नहीं, कोई इन केयर नहीं करता कमज़ोर की। नोबडी केयर्स फॉर वीक्स, कमज़ोर की कोई भी केयर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं रखता। इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। इवन गॉड्स आर मतलब क्या है कि भगवान भी उनका ही साथ देते हैं जो अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। इट इज़ अ फोली टू बैक फॉर मर्सी टू और हेल्प। ये एक मूर्खता है किसी से दया और सहायता मांगना। द मोर वीक अ पर्सन इज़ द ग्रेटर हार्म विल बी डन टू हिम। अगर कोई जितना ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, वो उतना ज़्यादा ही हार्म होगा, उसको नुकसान होगा। द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल। पोइट जो है एग्जाम्पल भी देते हैं। इफ़ द फायर इज़ वीक द विंड एट वंस ब्लो इट आउट। अगर आग जो है कमज़ोर है तो हवा जो है वो एक झोंके में उसको बुझा देगी, ब्लोज कर देगी। बट इफ़ द फायर इज स्ट्रोंग, अगर आग तेज है, स्ट्रोंग है, शक्तिशाली है, द विंड एड्स ग्रेटर पावर टू इट। जो हवा है वो उसमें और ज़्यादा पावर भर देगी। So the poet gives a piece of advice to those who are weak. इसलिए कवि जो हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं जो कमज़ोर हैं। They should make their bodies strong. उन्हें अपनी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। They should make their hearts firm. उन्हें अपने हार्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। इफ़ यू आर वीक, अगर आप कमज़ोर हैं, पीपल विल किक यू। पीपल जो है तो आपको किक कर देंगे, उछाल देंगे, आपकी केयर नहीं करेंगे और आपको और कमज़ोर बना देंगे। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, पीपल विल बो टू यू। पीपल जो हैं क्या करेंगे, आपके सामने झुकेंगे। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, और यही दुनिया का दस्तूर है। यही दुनिया करती है, जो कमज़ोर है उसको ठोकर मार देती है, जो शक्तिशाली है उसको उसके सामने झुकती है। स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजास ऑफ योर पोइम। पोइट क्या करता है, सबसे पहले प्रेयर करता है उसके सामने, किसके सामने हवा के सामने। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। हवा तुम आराम से आओ, प्लीज़ मत फेंको। कहते डोंट ब्रेक द शटर आउट, कहता है कि खिड़कियों और दरवाज़ों को, शटरों को ना तोड़ो, पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट स्कैटर द पेपर्स मतलब पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, से बुक्स को नीचे मत फेंको। देयर लुक्स व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। कहते जिसे भी तुम देखते हो उसको नीचे गिराते जाते हो। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कहते बुक्स के पेज फाड़ देते हो।
टोर का मतलब होता है फाड़ना. यू ब्रोट रेन अगेन, तुम वर्षा ले आते हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, कहते तुम कमजोरों को और कमजोर बनाने में बहुत क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, चतुर हो. फ्रिल क्रिम्बलिंग हाउस क्रिम्बलिंग डूर्स क्रिम्बलिंग रेफ सॉरी फ्रिल क्रिम्बलिंग हाउसेस क्रिम्बलिंग डूर्स क्रिम्बलिंग रेफ्टर्स क्रिम्बलिंग वुड क्रिम्बलिंग बॉडीज क्रिम्बलिंग लीव्स क्रिम्बलिंग हर्ट्स. इन दिस पोइम क्रिम्बलिंग मीन्स फेलिंग सॉरी फॉलिंग ओवर टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, यानी कि किसी को तोड़ने का कोई कारण. हाउस तोड़ रहे हो, डोर्स तोड़ रहे हो, क्रिम्बली का मतलब तोड़ना, राफ्टर्स, इन सबको आप तोड़ रहे हो. उसके बाद क्रिम्बलिंग वुड, लकड़ी को तोड़ रहे हो, बॉडीज को तोड़ नुकसान पहुंचा रहे हो, यानी कमजोर लोगों को पहुंचा रहे हो, कमजोर लोगों के जीवन को तोड़ रहे हो, सभी को, यानी दरवाजे खिड़कियाँ जितनी छत. ये इसका राफ्टर्स का मतलब होता है स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. राफ्टर का मतलब वो चीज़ जो छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है, उसको तोड़ रहे हो, लकड़ी को तोड़ रहे हो, बॉडी को कमज़ोर कर रहे हो, लीव्स जो जिंदगियां हैं उनको कमज़ोर कर रहे हो, हर्ट और इस तरह हर्ट को भी कमज़ोर कर रहे हो, लोगों के दिलों का मजाक बना रहे हो, सब कुछ तोड़ फोड़ रहे हो, कुचल देते हैं और इधर उधर को सब कुछ बिखेर दे रहे हो. ये कवि जो है विंड से बात कहता है, जैसे कि विंड सुन रही हो. इन द विंड गो विंड गोड विनोज द क्रश इज दम ओल. विनोंग का मतलब होता है टू ब्रेक ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ चाफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. जैसे कि गेहूं अनाज को उस छिलकों में से अलग पहले क्रश करके अलग किया जाता है, फिर उनको हवा के साथ उड़ा करके उन छिलकों को अलग किया जाता है, जैसे कि फटकना कहते हैं विनोइंग को. किसी भी चीज़ को हवा से उड़ा करके जो तिनके वगैरह अनाज का भूसा जो अलग किया जाता है उसे विनोइंग कहते हैं. द विंड गोड विनोइंग एंड क्रश डैम ओल, कहता है जो ये क्या बोलते हैं पवन देवता हैं, विंड गोड हैं, वो क्या करते हैं उन सब को, उन सब लोगों को क्रश कर रहे हैं और उनको हवा में उछाल रहे हैं. He would not do what you tell him. वो वह नहीं करता जो आप उसे कहते हो. So come let's build strong homes. इसलिए वो कहता है आप उसको strong बना, अपने आप को strong बनाओ, घरों को strong बनाओ. Let's join the door firmly. Doors को अच्छी तरह से join करवाओ, दरवाजों को अच्छे तरह से बनाओ. Practice to firm the body, और body को अच्छी तरह से मजबूत बनाने की practice करो. फर्म का मतलब होता है मेक करना, कोई भी चीज़ बनाना. मेक द हर्ट स्टेड फास्ट, और हर्ट को भी मजबूत बनाओ. कवि कमज़ोर लोगों से कहता है कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, और उन्हें दया और जो सहायता वो मांगते हैं उन्हें वो नहीं मांगनी चाहिए. अपने वो घरों को मजबूत बनाएं, और घरों के जो दरवाजे हैं उनको पक्के बनाएं. उन्हें अपने शरीरों को बलशाली बनाना चाहिए. उन्हें अपने दिल जो है, उन्हें हर्ट जो है उनको स्ट्रोंग बनाना चाहिए. जब वो सब कर लेंगे तो पवन देव भी क्या है उनके साथ दोस्ती कर लेंगे. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. अब उसके बाद कवि जो क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं फायर का. फायर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि विंड वीक फायर को बुझा देते हैं. ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश. फ्लोरिश का मतलब होता है ग्रो करना, और ज़्यादा बढ़ाना. कि फायर को अगर वो स्ट्रोंग है फायर तो उसको क्या करता है, ही मेक स्ट्रोंग फायर. स्ट्रोंग फायर ताकतवर फायर, जो तेज फायर होती है, आग होती है, उसमें उसको और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं और उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. कहते हैं उसकी दोस्ती तो बहुत अच्छी है, हम उसकी प्रेज करेंगे एवरी डे.
तो अब आगे क्या कहते हैं कि यदि मतलब आग जो है कमजोर हो तो पवन जो उसको बुझा देते हैं, लेकिन अगर वो तेज हो तो उसको और शक्तिशाली बना देते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि पवन और जो देवता हैं, जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो भी उनकी सहायता करते हैं, जो स्वयं की सहायता करते हैं, जो स्वयं को ताकतवर बना लेते हैं, और वो उनको क्या करते हैं, कमजोर बना देते हैं। जो खुद कमजोर होते हैं वो उन्हें और कमजोर बना देते हैं। तो इसलिए कवि क्या कहता है, कुछ कवि जो है कवि कहता है इस फ्रेंडशिप उस गुड फ्रेंडशिप उसकी गुड अच्छी तब लगने लगेगी जब वो अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे। तो उसकी वो जो शक्तिशाली होते हैं उसकी सहायता करते हैं भगवान। तो जो शक्तिशाली होंगे तो वो फिर उसकी उनकी भगवान की हर दिन प्रशंसा करेंगे। कवि कहता है जो कमजोर आदमी की कोई परवाह नहीं करता, लोग परवाह नहीं करते कमजोर आदमी की, तो देवता लोग भी उन्हें बलवानों के पक्ष में होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपनी पोइम्स इस पोइम को पढ़ें, अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ दिस पोइम। थैंक यू।